यूपी के डिप्टी सीएम चतरा जिले के पथलगढ़ा प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। वे संविधान बदलने वाले नहीं बल्कि लोकतंत्र के मंदिर में शीश झुकाने वाले प्रधानमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा है, वहां भी तिरंगा फहराना है, इसके लिए 400 पार सीटें चाहिए। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी एंड कंपनी झूठ की ऑटोमेटिक मशीन लेकर भटक रही है। विपक्ष इस समय आईसीयू में है, अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आ गया तो यह संविधान बदल देंगे। वहीं डिप्टी सीएम ने भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह के लिए वोट अपील भी की। सांसद बना करके भेजना आप सबका काम है, और सांसद बना करके आप भेजो और वहां से कुछ और बना करके भेजने का काम वह भी नेतृत्व करता है, ये भरोसा रखिए। इसलिए आप में से कई लोग होंगे अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, दर्शन करने की इच्छा किसी की है कि नहीं है? दोनों हाथ उठा बताओ ना। फिर पहले मैं यूपी वाला हूँ, रामलला की जन्मभूमि वाला हूँ, तो मैं अयोध्या आने का सादर निमंत्रण देता हूँ आपको। सांसद बना लेना, मोदी सरकार की शपथ करवा लेना, जब सांसद जी और संगठन और सभी आप सबका मन बन जाए और आपको आने का कार्यक्रम फाइनल हो जाए, मैं नंबर दे दिया, आप सब जब अयोध्या आएंगे आप सबका हार्दिक स्वागत करने के लिए मैं भी वहां मौजूद रहने का प्रयास करूंगा। पीपुल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी निशांत कुमार सिन्हा ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान खास बात ये रही कि उन्होंने हाथों में संविधान रखकर हजारीबाग के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। संविधान लेकर के आने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि 1950 में हमारा संविधान कहा गया कि लागू हुआ, आज तक पूर्ण रूप में लागू नहीं हुआ, और हमारी पार्टी जो है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये संविधान को लागू करने के लिए कृत संकल्प है। हम जो काम कर रहे हैं 2018 से गांव-गांव कस्बों में गली में हमारा कार्यक्रम चलता है BS4 मतलब भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, S चार बार है, बी से भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, और BS4 डोर टू डोर सुबह हो या भोर चलो गाँव की ओर, ये हम लोग का अभियान है। और मेरी शान भारत का संविधान, हमारे लोगों ने पिछले एक साल में हजारीबाग में लगभग 10,000 संविधान उपलब्ध कराया है लोगों को। हम घर घर में संविधान दे रहे हैं, केवल संविधान दे नहीं रहे बल्कि संविधान के बारे में लोगों को समझा रहे हैं कि संविधान में क्या क्या प्रावधान है, इसलिए कि लागू नहीं हुआ है और हम लागू करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रखंड कोलेबीरा में चुनावी प्रखंड कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर जिले से लेकर भाजपा मंडल कोलेबीरा के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आप सबों को आज इसे कोलेबीरा प्रखंड चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन समारोह में आप सबों का यहाँ पे उपस्थिति के लिए मैं अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी मंडल कोलेबीरा की ओर से हृदयतल से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से आज हम लोग प्रखंड कार्यालय से चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। अपना बातें बोल रहा है लेकिन माननीय मोदी जी पूरे देश में मात्र 4 ऐसे जात जिन्होंने आज देश को आगे बढ़ाने में काम किया है, जैसे आज जाति कोई जात नहीं है, मोदी जी का जात एक महिला मातृशक्ति और युवा मजदूर और किसान, इतने ही जात है आज पूरे भारत देश में। मैं सबसे ज्यादा मातृशक्ति से निवेदन करता हूँ कि ये चुनाव मातृशक्ति ऐसा है कि बूथ तक चूल्हा तक जाने में इनका काम रहता है। आप सबों को आज इसे